صلاه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه GPS signal lost. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا فدوروا حيث دارت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، ساتھیو، اللہ جل جلالہ یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی دونوں طرح کی صفات ہے، جلالیہ بھی جمالیہ بھی، وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، عفو درگزر کرنے، اور اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت سخت، وہ عذاب علیم والا بھی ہے، وہ شدید العذاب و شدید العقاب بھی ہے. یہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں، ان کی جنتیں تو جنتیں ہوں گی ہی، ان کی پھلیں پھولیں چمکیں دمکیں، حیران گھڑی امن میں، سکون میں، چین میں، پیار و پریم میں یہ رہیں. اس کے لیے حق تعالی شانوں نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہر زمانے میں نبی بھیجے، اور نبیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بھیجے. اس لیے کہتے ہیں دین اس طریقے حیات کو کہتے ہیں جو زندگی دینے والے اللہ نے اپنے لیے، جو زندگی دینے والے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے، اس کا نام دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین مبارک دیا، وہ ایسا کامل و مکمل کہ بچے کے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں قرار پانے سے لے کر ساری اونچ نیچ اور ساری گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک اور وہاں کے سوال و جواب تک مکمل رہبری، کہ کہیں دائیں دیکھنے کی ضرورت نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت، صاف ستھرا، جس کو کہا سمحاء بیضاء لیلہا کنہارہا، کہ وہ دین مبارک ایسا ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح صاف ستھرا. ایک بندے کا بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے خالق و مالک کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ کی محبت اور نبی کا اتباع کیسا ہو، پھر وہ سارے شعبے زندگی کے
माँ बाप का औलाद के साथ, औलाद का माँ बाप के साथ, बीवी का शौहर के साथ, शौहर का बीवी के साथ, अवाम और खवास, ताजिर और काशकार, गाहक और जमीन जोतने वाले, मजदूरी करने वाले, कारखानेदार, अहदेदार, सदारत और वजारत को संभालने वाले, हुकूमतों वाले, हर एक के लिए साफ सुथरा कि जिसमें दुनिया भी बने और आखिरत भी। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूं, आखिरत की भी दुनिया की भी भलाई लेकर आया हूं। वो दीन मुबारक अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा, इसीलिए प्यारों को वही अपनी प्यारी चीज दी, और सबने ज्यादा प्यारे 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 हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको वो दीन दीने कामिल दिया जिसकी बुनियाद सबसे पहले बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर, सबसे पहले ईमान, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि उस दीन मुबारक को जिंदगी में जगह देने के लिए उसकी तमाम बरकतों, रहमतों, मददों, ताइदों, गैबी नुसरतों के हासिल करने के लिए रहमतों के दरवाजे खुलते चले जाएं, इनामात की बारिशें होती चली जाए, दुनिया जन्नत निशान बन जाए। आदमी अकेला है, अकेले की घरेलू जिंदगी, कारोबारी जिंदगी, इस्तेवाजी जिंदगी, मुल्की मिल्ली, खाने कमाने, पहनने ओढ़ने, शादी ब्याह, जीना मरना, बीमारी तंदुरुस्ती, क्यों सब में मुकम्मल रहबरी आपके दीन मुबारक, वो जिंदगियों में आ जाए। ये जितनी है यह तो बातें हो रही है, मैं भी बातें कर रहा हूं, आप बातें सुन रहे हैं दीन की, लेकिन बातों से कोई आदमी बिजनेस की बातें करता रहे तो बिजनेसमैन हो जाएगा, कोई आदमी डॉक्टरी की बातें करे तो डॉक्टर हो जाएगा। इतना जरूर है कि दीन की बातों में बरकत भी है, रहमत भी है, मुकम्मल रहबरी है। एक शौक पैदा होता है दीन सीखने का, दीन पर चलने का, दीन के लिए जानो माल लगाने का शौक पैदा होता है, उसी के लिए सारी तरतीबें निकलने की और मकामी काम की। लेकिन इस पूरे दीन में सबसे पहली चीज जो है वो ईमान है, अल्लाह को अल्लाह मानना, ऐसा जैसा वो है अपनी जात और सिफात में, वो करीम है तो अपनी शान शान, रहीम है तो अपनी शान शान, अकबरुल अकबर है तो अपनी शान शान, कादिर मुतलक है तो अपनी शान शान, हफीज है तो अपनी, रज़ाक है तो अपनी शान शान, वो अलीम है, खबीर है, समीअ है, बसीर है, अब उसकी अपनी शान है। उसको ऐसा मानना जैसा वो है, कादिर मुतलक, एक जर्रा भी उसकी कुदरत से खारिज नहीं, दरख्त का पत्ता, रेत का जर्रा, पानी का कतरा, हर चीज का उसका इल्म उसको मुहीत है और उसकी कुदरत में है। इसीलिए जितना ईमान बनता चला जाता है आगे की राहें खुलती चली जाती है। वमन युक्मन बिल्लाह, वमन युक्मन बिल्लाह यह कल्ब, ईमान की मिकदार में दिलों को राहें दिखती है, नफा नुकसान, इज्जत जिल्लत, नफा किस में है, नुकसान किस में है,
जैसे चीजों का नफा नुकसान इन आंखों से नजर आता है कि आमाल का नफा नुकसान, ईमान का नफा कुफर का नुकसान, तौहीद खालिस का नफा शिर्क का नुकसान, इबादत का नफा नाफरमानी का नुकसान, इल्म नबुव्वत और इल्म इलाही का नफा जहालत का नुकसान, अल्लाह की याद, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का जिक्र उसका नफा, गफलत उसका नुकसान, अखलाक हमदर्दी गमखारी उसका नफा, जुल्म व सितम मर्दमाजारी इंसानियत कुछ मंसूबे उसका नुकसान, अगराज तन परवरी मन चाही दुनिया तलबी खुद गर्जी इसका नुकसान। जब ये ईमान बनता है तो आमाल का नफा नुकसान, इसीलिए हम कहा कि चीजें जितनी हैं सूई से लेके एटम तक, चीजें जितनी है सब दो रूखी हैं, एक ही चीज एक के हक में नफे की और दूसरे के हक में नुकसान, एक ही दस्तरखान पर खाना खाया, एक को कह हो गई लूज मोशन हो गए, दूसरे को माशाल्लाह जिसम ने उसको कबूल कर लिया, तो चीजें सारी दो रुखी हैं लेकिन आमाल जितने हैं वो एक रुखे हैं। सच्चाई में नजात ही नजात है, कहीं से कहीं तक परेशानी का शुबा नहीं, झूठ में नुकसान ही नुकसान, हलाकत ही हलाकत, ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह पाक बंदों को समझाने के लिए, अपनी तरफ रुजू कराने के लिए बहुत से हालात और उसमें ढील भी देते हैं कि सुबह से शाम तक झूठ, घर में भी, कारोबार में भी, मुलाजमत में भी, छोटी नौकरी है बड़ा अहदा है कि झूठ ही झूठ, उसके बाद भी चल रहे कि ये अल्लाह की तरफ से ढील है। सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून वो उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, हम उनको ढील देते हैं जिसको ये जानते नहीं, ये यूं सोचते हैं कि अगर झूठ में नुकसान होता तो मैं तो मेरा तो सारा कारोबार ही झूठ का है, फिर क्यों मैं इतना खाता पीता उछलता कूदता नाच रहा। ये ढील है अल्लाह की तरफ से, इसीलिए आमाल के नफे नुकसान को बताने के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मनवालुहु ने अपने बंदों की रहबरी के लिए अम्बियाए किराम और रुसुले इज़ाम अलैहिम सलात व तस्लीमात का सिलसिला शुरू किया। पहले दिन से सजदा करोगे तो क्या मिलेगा, असजदे से इनकार किया तो क्या होगा, बता दिया ना कि शैतान को भी कहा था सजदे को नहीं किया हमेशा की जहन्नम, सजदे पर हमेशा की जन्नत, कि जन्नत कैसी कि पढ़ो हदीसें और बैठो उलमाए किराम के पास और पूछो उनसे कि मुस्तकिल जन्नत के अहवाल पर किताबें लिखी, अदना दर्जे की जन्नत, आला दर्जे की जन्नत, 25 लाख हुरों वाली जन्नत, जन्नत के दरवाजे, जन्नतियों की खुशबू, जन्नतियों के खाने, उनके लिबास, उनके पर लगे घोड़े, कैसी शानदार बयान क्या आदमी के मुंह में पानी आ जाए। जहन्नम उसके सांप, उसके बिच्छू, उनका जहर, फरिश्तों के हथौड़े, आग के शाले, माए हमीम खोलता हुआ पानी, कि जहन्नमी जब पिएगा तो आते पहाड़े के रास्ते से बाहर आ जाएगी।
एक डार से एक डार और पहाड़ के बराबर, कंधे से दूसरे कंधे तक मीलों का फासला। जन्नत इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी आंख मुबारक खुलती सुबह को तो आप ये पढ़ा करते थे, अंतल हक कौलुक हक वादुक हक वल जन्नत हक वन नार हक वन नबियून हक व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक व साअत हक। इसके बाद ये जो इसको पढ़ता है उसके बाद दुआ मांगता है, जो अमल करता है कबूल हो जाता है। हर कदम पर रहबरी मौजूद है कि सबसे पहले ईमान, सूद का नुकसान और सदके का नफा, ये नबी बताते हैं। इसलिए वो जो आपकी बुनियादी सिफात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बशीर व नज़ीर, इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबशिर व नज़ीरा, सब पर आपको गवाह भी बनाया है और आपको बशारते सुनाने वाले और जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ों पर और मुख्तलिफ घाटियों में और मुख्तलिफ हालात में पेश आने वाले खतरात से प्यार के साथ नाशहाना अंदाज में, खैरखाना अंदाज में बाखबर करना, इसके लिए हमने आपको नज़ीर बनाया है। लेकिन ये रास्ता उसको नजर आता है, आमाल का नफा गुनाहों का नुकसान, ये ईमान की मकदार में। इसीलिए तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की तस्लीमात की नबुव्वत का आगाज, नबुव्वत की इब्तिदाई ईमान की दावत से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी की पहली पुकार और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कयामत तक आने वाली इंसानियत और बशरियत के लिए, अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। इसलिए बहुत कहते हैं उलमा के पास बैठा करो, उलमा से पूछा करो, तुफ्लिहू कामयाब हो जाओगे। कि कौन सी कामयाबी? जिस लाइन की कामयाबी को तुम जितना तसव्वुर कर सकते हो, इज्जतों की, फलाह बहबूद की, अमन अमान की, दुनिया की, आखिरत की, तमाम फलाह बहबूद तुम तसव्वुर करते थक जाओगे, लेकिन इस ईमान पर मिलने वाली फलाह बहबूद कि उसका किनारा नहीं। इसलिए कहते हैं बनाओ ईमान कितना बनाते हो, करो तरक्की ईमान में कितनी करते हो। दुनिया आजकल तरक्की को बहुत, तरक्की के गीत गा रही है दुनिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, दौलतों में, हुकूमतों में, सामानों में, फर्नीचरों में, किस्म किस्म की चीजों में, कि बहुत तरक्की की बहुत तरक्की। नबी बहुत प्यार के साथ खैर खाना अंदाज में, तुम्हारी तरक्की के राज ईमान में है, अखलाक में है, ताल्लुक में अल्लाह में है, जिसके पास हर नेमत के बेपनाह खजाने। और उन खजानों से बराह रास्त फायदा उठाने वाले बनो, उसका रास्ता भी बतला दिया कि जैसे वाटर वर्कर्स से और पानी की टंकी से पानी घर में लेना हो तो पाइपलाइन, और बिजली लेनी हो घर में तो उसके लिए के वायरिंग। अल्लाह की जात बेनिहायत के बेनिहायत खजानों से इज्जतें, फलाह बहबूद, कामयाबी, नूर, इल्म, जो नेमत चाहिए उसका पाइपलाइन बताया आमाल। इसलिए कहा कि बंदा या बंदी जिस वक्त जहां जिस हाल में है,
उस हाल के लिए अल्लाह का कोई हुक्म जरूर है। जब वो उस हुक्म को पूरा करते हैं तो पाइपलाइन का कनेक्शन होता है अल्लाह की जात लामुतनाही के लामुतनाही खजानों से। हमें तो वो रास्ता दिया गया है, लेकिन चूंकि हमने तो बकौल हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु एक मौके पर तो यूं फरमाया, खाली आने जाने का नाम तबलीग नहीं है। गए 40 दिन पूरे हो गए, 20 दिन पूरे हो गए, 4 महीने हो गए मुल्कों में हुआ है, खाली आने जाने का नाम। हमारी सोच बदल जाए, हमारा फिक्र बदल जाए। लोगों ने पूछा, हजरत क्या सोच हो जो क्या फिक्र? कि हमारी सोच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच से मेल खा जाए। आपकी सोच हमारी सोच, आपका गम हमारा गम, आपके आंसू हमारे आंसू, आपकी आह हमारी आह, आपकी खुशी हमारी खुशी। कि वो क्या थी आपकी सोच? क्या आपकी सोच है हर फर्द बशर, हर फर्द बशर कसे बाशर, किसी रंग रूप का हो, कहीं का हो, कोई सी जबान, कोई सा खानदान, कोई सी बिरादरी, हर एक के पास अल्लाह की दी हुई ये तीन ताकतें, जान माल और सलाहियत, सूझबूझ। तकसीम अल्लाह की है, लंबी उम्र, मुख्तसर, दरमियानी, बहुत दौलतें और बहुत मुतवस्सित और बिल्कुल भूखा फाका। कोई मंशा को समझता है, कोई इशारे में समझ जाता है, कोई एक दो दफे समझाने से समझता है, किसी को बार बार समझाना पड़ता है कि ये तकसीम तो है अल्लाह की, लेकिन ये तीनों चीजें मुश्तरक है पूरी बशरियत में। क्या काश्तकार हो, क्या ताजिर हो, क्या गरीब हो, क्या अमीर हो, क्या मर्द हो, क्या औरत, क्या देसी हो, क्या विदेशी हो, क्या केवला और क्या काला और क्या गोरा, क्या अरब हो, क्या आजम, हर एक के पास ये तीनों चीजें। और फिर अजीब बात ये, तीनों पर अल्लाह ने हर एक को इख्तियार दिया है। आदमी को मजबूर महज नहीं पैदा किया है। बोलना चाहता है कि हमने तुम्हें जबान दी है बोलो, देखना चाहता है हमने तुम्हें आंखें दी है, आंखों से देखने का इख्तियार है। और अजीब बात यह है कि ये जान माल और सलाहियत के सही और गलत इस्तेमाल ही पर सकरात से लेके आखिरत की आखिरी मंजिल जन्नत जहन्नम का फैसला, और उससे पहले दुनिया की घरेलू कारोबारी समाजी माशरती जिंदगी के तमाम हालात का दारो मदार इसके गलत और सही इस्तेमाल पर। सुकून, चैन, मोहब्बतें, प्यारो प्रेम, मवद्दतें, ये भी, और दुश्मनियां, कीना, कपट, लोगों की टांगे खींचने, टोपियां उछालने, इज्जतों से खेलने, क्यों इन्हीं तीन चीजों में है इनका गलत इस्तेमाल। इसका इसीलिए कहते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, जो इतनी जबरदस्त जहालत से और ऐसे शिर्क के समंदरों में डूब के खाते हुए, जिनके शेवे सिवाय शिर्क कुछ नहीं था, उन्होंने जो तरक्की की और कहां पहुंचे, क्या कयामत तक आने वाली बशरियत के लिए मुकम्मल रहबरी के चिराग, हिदायत के चिराग वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह। ताजिर, काश्कार, वकील, डॉक्टर, मौली साहब, आलिम, हाफिज, मालदार, गरीब, मर्द, औरत, जो अपनी जिंदगी की नैया को किनारे लगाना चाहे, जो अपनी जिंदगी की नैया की असली कीमत वसूल करना चाहे, क्या अपने आप को इनके नमूने को अपने सामने रखो कि क्या बात, उनके कोई 4 पैर थे, 6 हाथ थे कि नहीं, जिस्म के अतिबार से उनके भी वही
दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, एक जबान। सहाबा में भी बात क्या थी कि उनको पहले दिन का पहला सबक यह पढ़ाया था कि ये जो तुम्हारे पास जान है, जो बहुत सारे सांसों का मजमुआ, बहुत सारे दिनों, रातों, हफ्तों, महीनों, सालों का मजमुआ जिसको जिंदगी कहते हैं, कौड़ी से लेकर करोड़ों खरबों पद्मों तक, और इशारे से लेकर के कई मर्तबा समझाने की कोशिश तक जो तुम्हारे पास ये तीन ताकतें हैं, पहला सबक यह है कि ये तुम्हारी अपनी मिल्क नहीं है, नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। नेमत एक आंख की रोशनी। लोग शिकायतें करते हैं, दुआएं कराते हैं, इलाज कराते हैं, रोशनी कम हो गई, मायोपिया है, ये है, वो है, क्या क्या कहते हैं, कैटरक्स है। कि सर से लेकर पैर तक के जितने आजा और लुकमा एक दाने से लेकर के जो कुछ तुम्हारे पास है, पहली बात यह है कि यह अल्लाह की नेमत है, और उसी के साथ कि नेमत के साथ ये अमानत भी है, तुम्हारी अपनी मिल्क नहीं है। नेमत के लिए जो उसका कानून है शुक्रगुजारी, कसे बाशत कि जो शुक्रगुजारी के साथ नेमत आता। इसीलिए हम जाए किराम अलैहिस्सलाम तस्लीमात के वाकयात में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कैसी अल्लाह ने पातशाहत दी थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी पातशाहत दी थी, लेकिन शाकिराना मिजाज, शुक्रगुजारी की जिंदगी, एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार, अपने हाथ की कमाई से खा रहे हैं, शुक्रगुजार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि वो दिया जो किसी को नहीं दिया, लेकिन हर वक्त कहीं ये लिया बलुआ नहीं अशकुरा मकफूर, कि अल्लाह की तरफ से कि मैं इन नेमतों में शुक्रगुजारी के साथ रहता हूं या ना कदर, हर वक्त डरे हुए, हर वक्त फिक्रमंद। कि वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए मशाल राह, हिदायत के चिराग, अल्लाह की रजा के परवाने, जिनको दुनिया ही में मिले और रास्ता सबके लिए खुला छोड़ दिया अल्लाह ने, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه। जो उनकी चाल चले, जिन्होंने अपनी जान माल और सलाहियतों का वो निजाम बनाया, एक ही वक्त में बंदे हैं तो बंदगी को कैसे, कैसी बंदगी की, उसी सांस नबी के उम्मती हैं, नबी के गम को अपना गम कैसा बनाया, नबी की सोच को अपनी सोच कैसी बनाई, मंशे इलाही और मंशे नबूवत को कैसा पहचानते हैं, कहने की जरूरत नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके साथ सहाबा हैं, एक सहाबी का मकान और सहाबा के मकान से जरा मुमताज था। आपने ठहर के पूछा ये किसका है, के फुलाने का है, खामोश है, आप आगे बढ़ गए, वापस तशरीफ लाए। वो सहाबी आए मस्जिद में, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, कोई जवाब नहीं, शायद न सुना हो। फिर आपने रुख फेर लिया, सामने से आके, बाएं से आके, पीछे से आके, जिस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के जवाब देने को जरूरी करार देते हो, आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे। अजीब बात थी, जैसे हमारे दो पैसे
मामूली सा कोई सामान हाथ से निकल जाए और सुबह से शाम तक उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, आज तो मेरे 5 रुपए, आज तो मेरे 10 रुपए, आज तो मेरा फलाना, आज तो मेरा पेट्रोल, आज तो मैं, वहां सरमाया ही उसको समझते थे। दुनिया कहती है सरमाया सरमाया सरमाया, जिसको दुनिया सरमाया कहती है वो तो सरमाया कहलाए जाने के काबिल ही नहीं है, बल्कि लफ्ज सरमाया की तौहीन है, लफ्ज सरमाया की तौहीन है। इन ठिकनों चिथड़ों लिथड़ों जमीनों के टुकड़ों सोने चांदी के ठिकनों को सरमाया कहना ये उसकी तौहीन है। सरमाया सरमाया ईमान है, सरमाया तकवा है, सरमाया तवक्कुल है, सरमाया सब्र और शुक्र है, सरमाया अब्दियत और बुद्धियत है, सरमाया तवाज़ो जो इंकिसार है, सरमाया हर एक का भला चाहना, हर एक के काम आना। इसीलिए जो हमारे ये फजाइल है ना, ये यूं नहीं है फजाइल आमाल। पर एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मस्जिद नबवी में है, एतिकाद में है, एक सहाबी आए, देखा कि चेहरा बहुत उदास मुरझाया हुआ। भाई क्या बात है, बहुत ही गमगीन मालूम हो रहे हो और बहुत ही उदास। जी हजरत एक आदमी का मुझ पर कर्जा है और मेरे पास कर्जे की अदायगी की कोई शक्ल नहीं है। अच्छा अच्छी बात है, वो आएंगे हम बात करेंगे, अच्छी बात है हम उससे बात करेंगे। तो ये सहाबी यूं समझे कि जब हजरत वो मस्जिद में जब वो आएंगे कर्ज खा और ये तो एतिकाफ में था, उससे बात करेंगे, मेरे लिए कुछ मोहलत कुछ सहूलत। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने माने जूती उठाई और चलना शुरू। इनको ख्याल हुआ कि शायद हजरत को याद नहीं रहा कि आप तो एतिकाफ में है। हजरत आप तो एतिकाफ में हैं, आप बाहर जा रहे हैं। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा किया। इन कब्र वालों से मैंने सुना है जो किसी की जरूरत में चलता है, मेरी मस्जिद के 10 साल के एतिकाफ से अफजल है। जिनके ये जज्बात हों वो किसी का घर लूटेंगे, वो किसी से जबरदस्ती दस्तखत करवा के मकान अपने नाम करवाएंगे, वो बेवाओं को इस तरह सताएंगे जिस तरह दुनिया सताती है। खुदा करे खुदा करे हम नबी का दामन थामे, नबी की राह चले, नबी का दीन सीखे और उस पर मर मिटे। ये औज मौज, ये ऐशो-आयशियां, ये दौलतों की फरावानी और दौलत का नशा कि खुदा करे आंख खुले, खुदा करे आंख खुले। ये फजाइल आमाल और फजाइल सदकात इसलिए कहते हैं, इज्तिमाई तौर पर भी तालीम और घरों में भी तालीम और तन्हाइयों में इसका मुताला करो, अंदाज होगा। जैसे एक मरतबा हजरत मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वहां अमृतसर में थे, आते जाते थे वहां हजरत के पास, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इहतिशामुल हसन और ये हजरत तालीम कर रहे थे। मुफ्ती साहब तालीम में बैठ गए, एक साथी आया और उनसे कहा कि आपको मौलाना यूसुफ साहब कि जो तालीम का हलका है वो मिश्कात शरीफ के 8 बाब, मिश्कात शरीफ के 8 बाब की तालीम हो रही थी, जो बाद में हमारे हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको एक जगह जमा करा के उस पर एहराम लगवाए और फिर उसका तर्जुमा भी हुआ। उसकी तालीम हो रही थी और वो उलमा के लिए थी।
तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो साथी वहां ले गए कि आप उस हलके में। जब हलका खत्म हुआ तो हजरत मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आज समझ में आया इस तालीम का मकसूद क्या है, कि सिर्फ रिवायतें पढ़ लेना, रिवायतें याद कर लेना। मैं तो आज की तालीम के हलके से यूं समझा कि ये किताबुल ईमान, ये किताबुल इल्म, ये किताबुल रिकाब और ये किताबुल फितन, आठ बाब हैं उसके, अल्लाह के रास्ते की मेहनत और मुजाहदा, कि वो सिर्फ रिवायतों से गुजर जाना, रिवायतें याद कर लेना, बयानों में बयान कर देना। मैं ये समझा हूं कि जिस रिवायत से गुजरे दोस्त चुने, ये रिवायत मेरे अंदर कितनी है, ये ईमान मेरे अंदर कितना है, इस इल्म की कदर और ये इल्म मैं कितना ले रहा हूं, कितना सीख रहा हूं। इसलिए ऐसे ऐसे वाकयात, लेकिन जब नशा होता है ना, किसी को खानदानी नशा, किसी पर किसी ओहदे का नशा, किसी को दौलत का नशा, किसी नशे बहुत होते हैं। अब उस नशे में कुछ पता नहीं चलता। शेखुल हदीस साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु वअला अल्लाह मरातिबहु ने फज़ाइल सदकात में एक वाकया लिखा है, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का। बड़े बाप के बेटे थे, अकलौते थे, और क्या जायदाद है, क्या जागीरें, क्या दौलत है मीरास में। बाप तो मर गया, अब वो सारे के तन्हा मालिक हैं। ऐश इशरत, शायद कोई गुनाह छोड़ा हो, जान से मुताल्लिक, माल से मुताल्लिक, ख्वाहिशात से मुताल्लिक, सोच विचार से मुताल्लिक, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है। क्या माँ बाप को औलाद से प्यार होगा जो अल्लाह को अपने बंदों बंदियों से प्यार है। ये मेरा बंदा किस राह जा रहा है, ये क्यों अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, जीते जी अपने नाम। जैसे दुबई में रहने वाले, कुवैत में, कतर में, सऊदीया में रहने वाले वहां बैठे बैठे यहाँ प्लॉट अलॉट कराते ना अपने नाम, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई कॉलोनी बन रही है, हमारे भी दो फ्लैट, हमारे भी एक फ्लैट, हमारा भी प्लॉट। कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह की दी हुई जानो मालो सलाहियत से कोई जन्नत अपने नाम, कोई जहन्नम के सांप अपने नाम अलॉट करा रहे हैं। मालिक बिन दिनार एक अय्याशी की जिंदगी, हलाल हराम, जायज नाजायज, कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, क्या जवाब, इससे बिल्कुल आंखें बंद। जैसे इस वक्त दुनिया आखिरत को ऐसी भूली हुई है जैसे मरना ही नहीं, रोज नए नए मनसूबे, रोज नई नई स्कीमें, कल ये करना है, अगले साल ये करना है, यूं करना है, दुनिया ही के। और कुरान ने कितने प्यार से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल्तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ओ ईमान वालो, ओ ईमान के दावेदारो, अल्लाह से डरो। और हरेक को ये सोचना चाहिए, वो ताजिर हो, काश्तकार हो, जवान हो, बूढ़ा हो, देसी हो, विदेशी हो, कसे बाशत, मर्द हो, औरत हो, बल तंजुर नफ्स, हरेक देखे, हरेक सोचे आगे आने वाली कल के लिए मैंने क्या भेजा है। इसीलिए शाह शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने अजीब बात फरमाई और बहुत आसान समझने के लिए, जन्नत की जितनी नेमतें और जहन्नम के जितने अजाब, वो इंसानी अमाल की बदली हुई शक्ल है। जैसे पुलाव, बिरयानी, सब्जी, कोरमा, कबाब, टिक्के, ये सब क्या है कि बदली हुई शक्लें हैं,
ये शोला है, ये गाजर का हलवा है, ये फुला है फुला है, क्या कि बदली हुई शक्लें हैं। और फिर इस सबको खाने के बाद वो फुजला और वो गंदगी कि ये भी उसी की बदली हुई शक्ल है, वो पखाना चिकने चुपड़े खानों की बदली हुई शक्ल है कि वो गुनाह जो लज्जतों के साथ किए हैं, मजे ले लेके गुनाह किए हैं, किसकी बदली हुई शक्ल। अल्लाह पाक को मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह को इसलिए जो कहते हैं बंदा हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करे अपने को मोहताज समझते हुए, कहने वाला भी अपने को मोहताज समझ रहा हो, सुनने वाले भी, चलने और ये दोनों शक्लें नकल हरकत और मकामी सब हर हाल में इंसान है, फरिश्ते नहीं है, सारी जरूरतें हमारे साथ वाबस्ता है, लेकिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ के अवसर पर हाजिरी देनी है। और उसकी दोनों शक्लें बतलाई हदीसों में, रिवायतों में, इसीलिए बार बार कहते हैं उलमा की सोहबत, उलमा की सोहबत, जानने वालों से पूछना, खुद अपना दीन सीखना, इसलिए कि शरीयत सबकी अलग अलग, दर्जी के लिए, जूता गांठने वाले के लिए। मुझे याद है हमारी जमात 1964 में, बल्कि 65 शुरू हो गया था, 1 जनवरी को हम जहाज में बैठे थे, जा रहे थे लुबनान अम्मान के रास्ते से, असर के बाद गश्त में निकले तो एक भाई जूता गांठ रहा था, वो मुसलमान ही अपना भाई, हमने उससे बात करनी चाही, उसने हमारी तरफ देखा नहीं, जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले कि बेचारे हिंदुस्तान से आए हैं, हज को जा रहे होंगे, इनके पास कुछ है नहीं, कुछ मांगने के लिए आए होंगे, मुझे तो काम। तो वो जूता गांठते गांठते उसने जेब में हाथ डाल के हमारी तरफ, तो फिर हमने अपना टिकट निकाल कर दिखाया कि नहीं टिकट तो है, आप हम तो आपसे कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं। जब जाकर यानी आखिरत से ऐसी आंखें बंद है, इस जान के इस्तेमाल, इस माल के इस्तेमाल, इन सलाहियतों के इस्तेमाल से क्या बनाया है। मालिक बिन दिनार को अल्लाह पाक रास्ता दिखा रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। एक उनके बच्चे भी थे, लेकिन सबसे छोटी बच्ची जो थी बहुत प्यारी और उनको बहुत प्यार था, और माँ बाप को छोटे बच्चों से प्यार होता है। अल्लाह की शान वो बचपन ही में मर गई, और ये अक्सर उनको उसको याद किया करते थे। एक रात याद करते करते और रोते रोते सो गए। अल्लाह तो अल्लाह है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, हम तो माइल बकरम हैं, हम तो माइल बकरम हैं, राह दिखाएं किसे, कोई रह रहे मंजिल तो हो, हम तो हर वक्त देने के लिए तुले हुए हैं। जब बंदा एक बालिश तो अल्लाह की रहमतें खात, एक दफे तोबा इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से, क्या रहमतों की बारिश, और कैसे वादे, वो जितना तुम्हारा गया है सब वापस कर देंगे। इस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युर्सिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यमदुकुम बिअमवालिम मबरीन व यजअलकुम जन्नातिन व यजअलकुम अन्हारा। हमारी तरफ आओ, अपने कुसूरों की माफी मांगो, सलाहियतों को कहां बर्बाद किया है, माल का क्या, माल के लिए कौन से रास्ते, कितना अल्लाह को नाराज करने वाली जगहों में वक्त कहां लगाया है। इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो, हम आसमानों से मूसलाधार बारिशें बरसाएंगे, माल औलाद से हम भरपूर करेंगे, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, बच्चे
माल कारोबार मार्केट डाउन, कारोबार बिल्कुल लॉकडाउन और पता नहीं क्या क्या। आओ हमारे तरफ आओ, रोजाना आवाज लगाने वाला आवाज है, कोई मांगने वाला है, कोई झोली फैलाने वाला है, कोई तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला, उसकी तौफीक भी अल्लाह ही देते हैं। अल्लाह तो बड़े करीम है, बंदा अमल करता है अपनी बिसात से, जैसे हमारा ईमान, हमारी नमाजें, हमारी तालीम, हमारी गश्तें, हमारी ये सारी हमारी हैसियत देने पर अल्लाह के वादे। तो रात को रोते 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 सो गए मालिक बिन दिनार, अब ख्वाब देख रहे हैं, चटियल मैदान लको दख, और अकेले मालिक बिन दिनार उस मैदान में है, वहशत सदा। अभी वो तन्हाई की वहशत खत्म नहीं हुई कि अचानक क्या देखते हैं, एक बहुत मोटा तगड़ा अजदहा भागा हुआ इनकी तरफ आ रहा है। ऐसा अजदहा कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये उससे बचने के लिए भाग रहे हैं, ये आगे वो पीछे, ये आगे वो पीछे, थक के चूर हो गए, इससे कैसे बचूं। उस बयाबान में एक बड़े मियां नजर आए, अब्बा जी अब्बा जी, सुबह से इसने मेरा पीछा कर रखा है, ये दिन पूरा हो रहा है और ये पीछा, मुझे कोई रास्ता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बेटा मेरे तो घुटनों में जान है, न पेट में हाथ है, न मुंह में दांत है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अब्बा जी कोई रास्ता ही बता दो, ये जो हमारा काम है ना, ये राह दिखाने का काम है, और कैसों कैसों को राह दिखी है और कितनों की जिंदगियां बदली है। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, खबरदार खबरदार, ये जितने अमाल दावत हैं, ये पूरा काम कारे नबुव्वत है, नबी वाला काम है, और इसके हर अमल में यकीनों के बदलने की, जिंदगियों के सही रुख पर आने की आज भी वही तासीर है जो तासीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। अब फिर मिसाल दी कि 1500 साल पहले लीमू की तासीर क्या थी, जो पानी में डाले उसको निचोड़े तो पानी खट्टा हो जाता। जो तासीर 1500 साल पहले लीमू की थी, कितने जलजले, कितने तूफान, कितनी जंगें, कितनी क्या क्या हुआ, लीमू की तासीर वही है। फरमाया जैसे लीमू की तासीर नहीं बदली, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक, उसके अहकामात, उसका हलाल और हराम, माशरत मामलात अखलाक, बंदा होने की हैसियत से, बंदगी का ताल्लुक अल्लाह से, उम्मती होने के एतबार से नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी वही ताजीर है जिसने 600 साल पुराने शिर्क को, जिसने 600 साल के जहालतों के समंदरों में डूबकियां खाए हुए, जिनके रगो रेशे में शिर्क जहालत बाम औश तक पहुंचा दिया, बुलंदी की चोटी तक पहुंचा दिया, उस अमल की आज भी। इसीलिए कहते हैं खाली तकरीरें नहीं है, मजमे का जमा हो जाना नहीं है, समझना है, सीखना है, समझते हुए सीखते हुए, नहीं जानते हैं तो जानने वालों से पूछते हुए। सहाबा की अजीब बात थी, जो चीज पहले नहीं देखी और आज देखी फौरन पूछा। वो जो हदीस जिब्रील है फ़ज़ाइले रमजान में, कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर आमीन, दूसरी पर आमीन, तीसरी पर आमीन, ये इससे पहले कभी नहीं देखा था सहाबा, फौरन पूछा। अल्लाह के रसूल आपने तीनों से, तो आपने वो पूरा बतलाया, हलाक हो जाए जिसके सामने मेरा नाम नामी आए और वो मुझ पर दरूद न भेजे,
भला जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, हुजूर ने अमीन कही। हलाक हो जाए जो बुढ़ापे की हालत में माँ बाप को या एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपनी आखिरत न बनाए। आमीन। हलाक हो जाए, हलाक हो जाए जिसको रमजान मुबारक का महीना मिला, रोजे रखकर अल्लाह को राजी न, उसका हुक्म पूरा न किया, वहां की बद्दुआ और हुजूर के आमीन। जो चीज नहीं जानते थे, हम तो 30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, वही नमाज जैसी, तू जा मैं आया, तू जा मैं आया, क्या रुको और क्या सजदा और क्या कयाम और क्या सजदा। सीखने की चीज ये है, सबसे पहला फर्ज दीन सीखना। इसलिए नबुव्वत को नबुव्वत के साथ इल्म इलाही दिया गया। तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफे, नबुव्वत भी, दावत भी और इल्म भी, दावत भी और इल्म भी। मालिक बिन दिनार ने ख्वाब देखा, दोनों बड़े मियां ने कहा कि बेटा मैं तो ऐसा हूं, मैं, मुझे कोई रास्ता ही दिखा दो। ये जो घर घर की मुलाकातें, एक दूसरे की खुशामद, प्यार मोहब्बत से, हिकमत के साथ, छोटा बनकर, इसलिए हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैहि बात फरमाते थे, काम बड़ा है, हम बड़े नहीं हैं। काम किसका है? अल्लाह का। कि अल्लाह कितने बड़े, वो जितने बड़े उनका काम भी उतना ही बड़ा, उनका कलाम भी उतना ही बड़ा, उनका रास्ता भी उतना ही बड़ा और उस पर मिलने वाला इनाम भी उतना ही बड़ा, उनकी लापरवाही भी उतनी ही बड़ी और उस लापरवाही पर सजा भी उतनी ही बड़ी। इसीलिए वादे और वईदे, वादे और वईदे। बड़े मियां ने मालिक बिन दिनार को कहा कि ये पहाड़ है, तू ऊपर चला जा। जवान थे, खूबसूरत, ये अजदहा तेरा पीछा वहां नहीं कर सकेगा, ये नहीं चल सकेगा, बहुत मोटा तगड़ा, मरता क्या न करता। मालिक बिन दिनार चढ़ गए, अजदहा पीछे रह गया। अल्लाह तो अल्लाह है, हम तो माइल बकरम है, राह दिखाए किसे। ये पूरी मेहनत, ये पूरा काम, ये जोड़, ये जमातें, ये गश्तें, ये घर घर की मुलाकातें, ये मस्जिदवार जमात, ये उसके 5 अमल, रहबरी है, रहबरी है। ये अंबिया किराम अलैहिम सलातु तस्लीमात के साथ अल्लाह की गैबी मदद है। वो नाफरमान कौमों की हलाकत के वाकयात, वह तबीरू या अफसार, आंखों वालों आंखें खोलो। ये कहानियां नहीं है, खुदाई दस्तूर है। अचानक क्या देखते हैं मालिक बिन दिनार, एक फुलवारी है, पानी बह रहा है, आबशार है, फूल, फूलों की खुशबुएं हैं। और जो ध्यान से और गौर से देखा तो फूल जैसे मासूम बच्चे उसमें आपस में खेल रहे हैं। जान में जान आई कि अजदहे से तो पीछा छूटा और अब ये मंजर। बहुत ध्यान से देखा तो वो बच्ची जो बचपन में मर गई थी वो नजर आई। बेटी ने बाप को पहचाना, बाप ने बेटी को पहचाना, अब्बू अब। इसीलिए कहते हैं 4 महीने को पैदल चलो, जब आओगे तो घर के सारे बच्चे चिमट जाएंगे, अब्बा जी अब्बा जी। और नहीं तो बीवियां भी यूं कहते हैं, अल्लाह तुझे तबलीग वाला ले जाए, जाता ही नहीं। फिर बीवियां भी परेशान हो जाती है। खुशबू, जन्नतों के खाने, उनके लिबास, उनके पर लगे घोड़े, कैसी शानदार बहन, क्या आदमी के मुंह में पानी आ जाए। जहन्नम, उसके सांप, उसके बिच्छू, उनका जहर, फरिश्तों के हथौड़े, आग के शाले, माए हमीम, खोलता हुआ पानी, कि जहन्नमी जब पिएगा तो आते पहाड़े के रास्ते से बाहर आ जाएगी। एक डार से एक डार पहाड़ के बराबर, कंधे से दूसरे कंधे तक
मीलों का फासला। जन्नत इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी आंख मुबारक खुलती सुबह को तो आप ये पढ़ा करते थे, अंतल हक कौलुक हक वादुक हक वल जन्नत हक वन नार हक वन नबियून हक व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक व साअत हक। इसके बाद इनके जो इसको पढ़ता है उसके बाद दुआ मांगता है, जो अमल करता है कबूल हो जाता है। हर कदम पर रहबरी मौजूद है कि सबसे पहले ईमान, सूद का नुकसान और सदके का नफा, ये नबी बताते हैं। इसीलिए वो जो आपकी बुनियादी सिफात हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बशीर व नज़ीर, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, सब पर आपको गवाह भी बनाया है और आपको बशारतें सुनाने वाले और जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ों पर और मुख्तलिफ घाटियों में और मुख्तलिफ हालात में पेश आने वाले खतरात से प्यार के साथ नाशहाना अंदाज में, खैरखाहाना अंदाज में बाखबर करना, इसके लिए हमने आपको नजीर बनाया है। लेकिन ये रास्ता उसको नजर आता है, आमाल का नफा, गुनाहों का नुकसान, ये ईमान की मकदार में। इसीलिए तमाम अंबियाए किराम अलैहिम सलातो तस्लीमात की नबुव्वत का आगाज, नबुव्वत की इब्तिदाही ईमान की दावत से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी की पहली पुकार और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कयामत तक आने वाली इंसानियत और बशरियत के लिए, अय्युह अन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। इसलिए बहुत कहते हैं उलमा के पास बैठा करो, उलमा से पूछा करो, तुफ्लिहू कामयाब हो जाओगे। कि कौन सी कामयाबी? जिस लाइन की कामयाबी को तुम जितना तसव्वुर कर सकते हो, इज्जतों की, फलाह बहबूद की, अमन अमान की, दुनिया की, आखिरत की, तमाम फलाह बहबूद तुम तसव्वुर करते थक जाओगे, लेकिन इस ईमान पर मिलने वाली फलाह बहबूद कि उसका किनारा नहीं। इसलिए कहते हैं बनाओ ईमान कितना बनाते हो, करो तरक्की ईमान में कितनी करते हो। दुनिया आजकल तरक्की को बहुत, तरक्की के गीत गा रही है दुनिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, दौलतों में, हुकूमतों में, सामानों में, फर्नीचरों में, किस्म किस्म की चीजों में, कि बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की। नबी बहुत प्यार के साथ खैर खाना अंदाज में, तुम्हारी तरक्की के राज ईमान में है, अखलाक में है, ताल्लुक में अल्लाह में है, जिसके पास हर नेमत के बेपनाह खजाने। और उन खजानों से बराह रास्त फायदा उठाने वाले बनो, उसका रास्ता भी बतला दिया। कि जैसे वाटर वर्कर्स से, अब पानी की टंकी से पानी घर में लेना हो तो पाइपलाइन, अब बिजली लेनी हो घर में तो उसके लिए के वायरिंग। अल्लाह की जात बेनिहायत के बेनिहायत खजानों से इज्जतें, फलाह बहबूद, कामयाबी, नूर, इल्म, जो नेमत चाहिए उसका पाइपलाइन बताया आमाल। इसलिए कहा कि बंदा या बंदी जिस वक्त जहां जिस हाल में है, उस हाल के लिए अल्लाह का कोई हुक्म जरूर है। जब वो उस हुक्म को पूरा करते हैं
तो पाइप लाइन का कनेक्शन होता है अल्लाह की जात लामतनाही के लामतनाही खजानों से। हमें तो वो रास्ता दिया गया है, लेकिन चूंकि हमने तो बकौल हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नवर अल्लाह मरकदहु एक मौके पर तो यूं फरमाया, खाली आने जाने का नाम तबलीग नहीं है, गए 40 दिन पूरे हो गए, 20 दिन पूरे हो गए, 4 महीने हो गए मुल्कों में हुआ है, खाली आने जाने का नाम। हमारी सोच बदल जाए, हमारा फिक्र बदल जाए। लोगों ने पूछा, हजरत क्या सोच हो जो क्या फिक्र? कि हमारी सोच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच से मेल खा जाए। आपकी सोच हमारी सोच, आपका गम हमारा गम, आपके आंसू हमारे आंसू, आपकी आहें हमारी आहें, आपकी खुशी हमारी खुशी। कि वो क्या थी आपकी सोच? क्या आपकी सोच है हर फर्द बशर, हर फर्द बशर कसे बाशद किसी रंगो रूप का हो, कहीं का हो, कोई सी जबान, कोई सा खानदान, कोई सी बिरादरी, हर एक के पास अल्लाह की दी हुई ये तीन ताकतें, जान माल और सलाहियत, सूझबूझ तकसीम अल्लाह की है। लंबी उम्र, मुख्तसर, दरमियानी, बहुत दौलतें और बहुत मुतवस्सित और बिल्कुल भूखा फाका। कोई मंशा को समझता है, कोई इशारे में समझ जाता है, कोई एक दो दफे समझाने से समझता है, किसी को बार बार समझाना पड़ता है कि ये तकसीम तो है अल्लाह की, लेकिन ये तीनों चीजें मुश्तरक है पूरी बशरियत में। क्या काश्तकार हो, क्या ताजिर हो, क्या गरीब हो, क्या अमीर हो, क्या मर्द हो, क्या औरत, क्या देसी हो, क्या विदेशी हो, क्या केवला और क्या काला और क्या गोरा, क्या अरब हो, क्या आजम, हर एक के पास ये तीनों चीजें। और फिर अजीब बात, ये तीनों पर अल्लाह ने हर एक को इख्तियार दिया है। आदमी को मजबूर महज नहीं पैदा किया है। बोलना चाहता है कि हमने तुम्हें जबान दी है बोलो, देखना चाहता है हमने तुम्हें आंखें दी है, आंखों से देखने का इख्तियार है। और अजीब बात यह है कि ये जान माल और सलाहियत के सही और गलत इस्तेमाल ही पर सकरात से लेके आखिरत की आखिरी मंजिल जन्नत जहन्नम का फैसला, और उससे पहले दुनिया की घरेलू कारोबारी समाजी माशरती जिंदगी के तमाम हालात का दारो मदार इसके गलत और सही इस्तेमाल पर। सुकून, चैन, मोहब्बतें, प्यारो प्रेम, मवद्दतें, ये भी, और दुश्मनियां, कीना, कपट, लोगों की टांगे खींचने, टोपियां उछालने, इज्जतों से खेलने, क्यों इन्हीं तीन चीजों में है इनका गलत इस्तेमाल या इसका। इसीलिए कहते हैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, जो इतनी जबरदस्त जहालत से और ऐसे शिर्क के समंदरों में डूब के खाते हुए, जिनके रवैये में सिवाय शिर्क के कुछ नहीं था, उन्होंने जो तरक्की की और कहां पहुंचे, क्या कयामत तक आने वाली बशरियत के लिए मुकम्मल रहबरी के चिराग, हिदायत के चिराग वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। ताजिर, काश्कार, वकील, डॉक्टर, मौली साहब, आलिम, हाफिज, मालदार, गरीब, मर्द, औरत, जो अपनी जिंदगी की नैया को किनारे ले जाना चाहे, जो अपनी जिंदगी की नैया की असली कीमत उसूल करना चाहे, कि अपने आप को इनके नमूने को अपने सामने रखो। कि क्या बात, उनके कोई 4 पैर थे, 6 हाथ थे कि नहीं, जिस्म के अतिबार से उनके भी वही 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 1 जबान, सहाबा में भी बात क्या थी।
कि उनको पहले दिन का पहला सबक ये पढ़ाया था कि ये जो तुम्हारे पास जान है, जो बहुत सारे सांसों का मजमूआ, बहुत सारे दिनों रातों हफ्तों महीनों सालों का मजमूआ जिसको जिंदगी कहते हैं, कौड़ी से लेकर करोड़ों खरबों पद्मों तक और इशारे से लेकर के कई मर्तबा समझाने की कोशिश तक जो तुम्हारे पास ये तीन ताकतें हैं, पहला सबक ये है कि ये तुम्हारी अपनी मिल्क नहीं है, नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। नेमत एक आंख की रोशनी, लोग शिकायतें करते हैं, दुआएं कराते हैं, इलाज कराते हैं, रोशनी कम हो गई, मायोपिया है, ये है वो है, क्या क्या कहते हैं, कैटरक्स है, कि सर से लेकर पैर तक के जितने आजा और लुकमा एक दाने से लेकर के जो कुछ तुम्हारे पास है, पहली बात यह है कि यह अल्लाह की नेमत है और उसी के साथ कि नेमत के साथ ये अमानत भी है, तुम्हारी अपनी मिल्क नहीं है। नेमत के लिए जो उसका कानून है शुक्रगुजारी, कसे बाशक कि जो शुक्रगुजारी के साथ नेमत आ गई। इसीलिए अंबियाए किराम अलैहिस्सलात व तस्लीमात के वाकयात में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कैसी अल्लाह ने पातशाहत दी थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी पातशाहत दी थी, लेकिन शाकिराना मिजाज शुक्रगुजारी की जिंदगी, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, अपने हाथ की कमाई से खा रहे हैं, शुक्रगुजार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि वो दिया जो किसी को नहीं दिया, लेकिन हर वक्त कहीं ये लियबलुअनी अशकुर अम अकफुर, कि अल्लाह की तरफ से कि मैं नियामतों में शुक्रगुजारी के साथ रहता हूं या ना पदे, हर वक्त डरे हुए, हर वक्त फिक्रमंद कि वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए मशाले राह, हिदायत के चिराग, अल्लाह की रजा के परवाने जिनको दुनिया ही में मिले और रास्ता सबके लिए खुला छोड़ दिया अल्लाह ने, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, जो उनकी चाल चले, जिन्होंने अपनी जान माल और सलाहियतों का वो निजाम बनाया, एक ही वक्त में बंदे हैं तो बंदगी को कैसे कैसी बंदगी की, उसी सांस नबी के उम्मती हैं, नबी के गम को अपना गम कैसा बनाया, नबी की सोच को अपनी सोच कैसी बनाई, मनशे इलाही और मनशे नबूवत को कैसा पहचानते हैं, कहने की जरूरत नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके साथ सहाबा हैं, एक सहाबी का मकान और सहाबा के मकान से जरा मुमताज था। आपने ठहर के पूछा ये किसका है, के फुलाने का है, खामोश है, आप आगे बढ़ गए, वापस तशरीफ लाए, वो सहाबी आए मस्जिद में, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कोई जवाब नहीं, शायद न सुना हो, फिर आपने रुख फेर लिया, सामने से आके, बाएं से आके, पीछे से आके, जिस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के जवाब देने को जरूरी करार देते हों, आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे। अजीब बात थी, जैसे हमारे दो पैसे, मामूली सा कोई सामान हाथ से निकल जाए और सुबह से शाम तक उसकी तस्बीह पढ़ते हैं,
आज तो मेरे 5 रुपये, आज तो मेरे 10 रुपये, आज तो मेरा फलाना, आज तो मेरा पेट्रोल, आज तो मैं। वहां सरमाया ही उसको समझते थे। दुनिया कहती है सरमाया सरमाया सरमाया। जिसको दुनिया सरमाया कहती है वो तो सरमाया कहलाए जाने के काबिल ही नहीं है, बल्कि लफ्ज सरमाया की तौहीन है। लफ्ज सरमाया की तौहीन है। इन ठिकरों चिथड़ों लिथड़ों जमीनों के टुकड़ों सोने चांदी के ठिकरों को सरमाया कहना ये उसकी तौहीन है। सरमाया सरमाया ईमान है, सरमाया तकवा है, सरमाया तवक्कुल है, सरमाया सब्र और शुक्र है, सरमाया अब्दियत और बुद्धियत है, सरमाया तवाज़ो और इंकिसार है, सरमाया हरेक का भला चाहना, हरेक के काम आना। इसीलिए जो हमारे ये फजाइल है ना, ये यूं नहीं है फजाइल अमाल। एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मस्जिद नबवी में है, एतिकाफ में है। एक सहाबी आए, देखा कि चेहरा बहुत उदास मुरझाया हुआ। भाई क्या बात है, बहुत ही गमगीन मालूम हो रहे हो और बहुत ही उदास। जी हजरत एक आदमी का मुझ पर कर्जा है और मेरे पास कर्जे की अदायगी की कोई शक्ल नहीं है। अच्छा अच्छी बात है, वो आएंगे हम बात करेंगे, अच्छी बात है हम उससे बात करेंगे। तो ये सहाबी यूं समझे कि जब हजरत वो मस्जिद में जब वो आएंगे कर्ज खा, और ये तो एतिकाफ में था, उससे बात करेंगे, मेरे लिए कुछ मोहलत कुछ सहूलत। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने जूती उठाई और चलना शुरू। इनको ख्याल हुआ कि शायद हजरत को याद नहीं रहा कि आप तो एतिकाफ में हैं। हजरत आप तो एतिकाफ में हैं, आप बाहर जा रहे हैं। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा किया। इन कब्र वालों से मैंने सुना है जो किसी की जरूरत में चलता है मेरी मस्जिद के 10 साल के एतिकाफ से अफजल है। जिनके ये जज्बात हों वो किसी का घर लूटेंगे, वो किसी से जबरदस्ती दस्तखत करवा के मकान अपने नाम करवाएंगे, वो बेवाओं को इस तरह सताएंगे जिस तरह दुनिया सताती है। खुदा करे खुदा करे हम नबी का दामन थामे, नबी की राह चले, नबी का दीन सीखे और उस पर मर मिटे। ये आज मौज, ये ऐशा याशिया, ये दौलतों की फरावानी और दौलत का नशा कि खुदा करे आंख खुले। ये फजाइल आमाल और फजाइल सदकात इसलिए कहते हैं, इज्तिमाई तौर पर भी तालीम और घरों में भी तालीम और तन्हाइयों में इसका मुताला करो, अंदाज होगा। जैसे एक मरतबा हजरत मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वहां अमृतसर में थे, जाते जाते थे वहां हजरत के पास, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इहतिशामुल हसन और ये हजरत तालीम कर रहे थे। मुफ्ती साहब तालीम में बैठ गए, एक साथी आया उनसे कहा कि आपको मौलाना यूसुफ साहब की जो तालीम का हल्का है वो मिशकात शरीफ के आठ बाब की तालीम हो रही थी, जो बाद में हमारे हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको एक जगह जमा करा के उस पर एहराम लगवाए और फिर उसका तर्जुमा भी हुआ। उसकी तालीम हो रही थी और वो उलमा के लिए थी। तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को साथी वहां ले गए कि आप उस हलके में। जब हलका खत्म हुआ
तहत मुफ्ती जनरल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आज समझ में आया इस तालीम का मकसूद क्या है कि सिर्फ रिवायतें पढ़ लेना, रिवायतें याद कर लेना। मैं तो आज की तालीम के हल्के से यूं समझा कि ये किताबुल ईमान, ये किताबुल इल्म, ये किताबुल रिकाब और ये किताबुल फितन आज बाब है उसके, अल्लाह के रास्ते की मेहनत और मुजाहदा। कि वो सिर्फ रिवायतों से गुजर जाना, रिवायतें याद कर लेना, बयानों में बयान कर देना। मैं ये समझा हूं कि जिस रिवायत से गुजरे दोस्त ने, ये रिवायत मेरे अंदर कितनी है, ये ईमान मेरे अंदर कितना है, इस इल्म की कदर और ये इल्म मैं कितना ले रहा हूं, कितना सीख रहा हूं। इसलिए ऐसे ऐसे वाकयात, लेकिन जब नशा होता है ना, किसी को खानदानी नशा, किसी पर किसी ओहदे का नशा, किसी को दौलत का नशा, किसी नशे बहुत होते हैं, उस नशे में कुछ पता नहीं चलता। शेखुल हदीस साहब नब्बर अल्लाह मरकदहू वअलल्लाह मरातिबहू ने फजाइल सदकात में एक वाकया लिखा है, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का। बड़े बाप के बेटे थे, अकलौते थे, और क्या जायदादें, क्या जागीरें, क्या दौलतें मीराश में। बाप तो मर गया, अब वो सारे के तन्हा मालिक हैं। ऐशो इशरत, शायद कोई गुनाह छोड़ा हो, जान से मुताल्लिक, माल से मुताल्लिक, ख्वाहिशात से मुताल्लिक, सोच विचार से मुताल्लिक, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है। क्या माँ बाप को औलाद से प्यार होगा जो अल्लाह को अपने बंदों बंदियों से प्यार है। ये मेरा बंदा किस राह जा रहा है, ये क्यों अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, जीते जी अपने नाम। जैसे दुबई में रहने वाले, कुवैत में, कतर में, सऊदीया में रहने वाले, वहां बैठे बैठे यहाँ प्लॉट अलॉट कराते ना अपने नाम, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई कॉलोनी बन रही है, हमारे भी दो फ्लैट, हमारे भी एक फ्लैट, हमारा भी प्लॉट। कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह की दी हुई जानो मालो सलाहियत से कोई जन्नत अपने नाम, कोई जहन्नम के सांप अपने नाम अलॉट करा रहे। मालिक बिन दीनार एक अय्याशी की जिंदगी, हलाल हराम, जायज नाजायज, कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, क्या जवाब, इससे बिल्कुल आंखें बंद। जैसे इस वक्त दुनिया आखिरत को ऐसी भूली हुई है जैसे मरना ही नहीं, रोज नए नए मंसूबे, रोज नई नई स्कीमें, कल ये करना है, अगले साल ये करना है, यूं करना है, दुनिया ही के। और कुरान ने कितने प्यार से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल्तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ओ ईमान वालो, ओ ईमान के दावेदारो, अल्लाह से डरो। और हर एक को ये सोचना चाहिए, वो ताजिर हो, काश्तकार हो, जवान हो, बूढ़ा हो, देसी हो, विदेशी हो, कसे बाशत, मर्द हो, औरत हो, बल तंजुर नफ्सुन, हर एक देखे, हर एक सोचे, आगे आने वाली कल के लिए मैंने क्या भेजा है। इसीलिए शाह शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने अजीब बात फरमाई और बहुत आसान समझने के लिए, जन्नत की जितनी नेमतें और जहन्नम के जितने अजाब, वो इंसानी आमाल की बदली हुई शक्ल है। जैसे पुलाव, बिरयानी, सब्जी, कोरमा, कबाब, टिक्के, ये सब क्या है कि बदली हुई शक्लें हैं। ये शोला है, ये गाजर का हलवा है, ये फुला है, फुला है, क्या है कि बदली हुई शक्लें हैं। और फिर इस सब को खाने के बाद
वो फुजला और वो गंदगी कि ये भी उसी की बदली हुई शक्ल है, वो पाखाना चिकने चुपड़े खानों की बदली हुई शक्ल है कि वो गुनाह जो लज्जतों के साथ किए हैं, मजे ले लेके गुनाह किए हैं, किसकी बदली हुई शक्ल? अल्लाह पाक को मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह को इसलिए जो कहते हैं, बंदा हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करे अपने को मोहताज समझते हुए, कहने वाला भी अपने को मोहताज समझ रहा हो, सुनने वाले भी, चलने, और ये दोनों शक्लें नकल हरकत और मकामी, सब हर हाल में इंसान है, फरिश्ते नहीं है, सारी जरूरतें हमारे साथ वाबस्ता है, लेकिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर कौसर पर हाजिरी देनी है, और उसकी दोनों शक्लें बतलाई हदीसों में, रिवायतों में। इसीलिए बार बार कहते हैं उलमा की सोहबत, उलमा की सोहबत, जानने वालों से पूछना, खुद अपना दीन सीखना, इसलिए कि शरीयत सबकी अलग अलग, दर्जी के लिए, जूता गांठने वाले के लिए। मुझे याद है हमारी जमात 1964 में, बल्कि 65 शुरू हो गया था, 1 जनवरी को हम जहाज में बैठे थे, जा रहे थे लुबनान अम्मान के रास्ते से, असर के बाद गश्त में निकले तो एक भाई जूता गांठ रहा था, था वो मुसलमान ही अपना भाई, हमने उससे बात करनी चाही, उसने हमारी तरफ देखा नहीं, जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले के, बेचारे हिंदुस्तान से आए हैं, हज को जा रहे होंगे, इनके पास कुछ है नहीं, कुछ मांगने के लिए आए होंगे, मुझे तो काम, तो वो जूता गांठते गांठते उसने जेब में हाथ डाल के हमारी तरफ, तो फिर हमने अपना टिकट निकाल कर दिखाया कि नहीं टिकट तो है, आप, हम तो आपसे कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं, जब जाकर, यानी आखिरत से ऐसी आंखें बंद है, इस जान के इस्तेमाल, इस माल के इस्तेमाल, इन सलाहियतों के इस्तेमाल से क्या बनाया है। मालिक बिन दिनार को अल्लाह पाक रास्ता दिखा रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। एक उनके बच्चे भी थे, लेकिन सबसे छोटी बच्ची जो थी बहुत प्यारी, और उनको बहुत प्यार था, और माँ बाप को छोटे बच्चों से प्यार होता है, अल्लाह की शान वो बचपन ही में मर गई, और ये अक्सर उनको, उसको याद किया करते थे, एक रात याद करते करते और रोते रोते सो गए। अल्लाह तो अल्लाह है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, हम तो माइल बकरम हैं, हम तो माइल बकरम हैं, राह दिखाएं किसे, कोई रह रहे मंजिल तो हो, हम तो हर वक्त देने के लिए तुले हुए हैं, जब बंदा एक बालिश तो अल्लाह की रहमत एक हाथ, एक दफे तोबा इस्तेगफार सच्चे दिल से, क्या रहमतों की बारिश, और कैसे वादे, वो जितना तुम्हारा गया है सब वापस कर देंगे। इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वे यमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन वे यजअल लकुम जन्नाति वे यजअल लकुम अन्हारा। हमारी तरफ आओ, अपने कुसूरों की माफी मांगो, सलाहियतों को कहां बर्बाद किया है, माल का क्या, माल के लिए कौन से रास्ते, कितना अल्लाह को नाराज करने वाली जगहों में वक्त कहां लगाया है। इस्तग़फार करो, इस्तग़फार करो, हम आसमानों से मूसलाधार बारिशें बरसाएंगे, माल औलाद से हम भरपूर करेंगे, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, बच्चे, माल, कारोबार, मार्केट डाउन, कारोबार बिल्कुल लॉकडाउन, और पता नहीं क्या क्या,
आओ हमारी तरफ आओ। रोजाना आवाज लगाने वाला आवाज है, कोई मांगने वाला है, कोई झोली फैलाने वाला है, कोई तौबा इस्तिगफार करने वाला, उसकी तौफीक भी अल्लाह ही देते हैं। अल्लाह तो बड़े करीम है, बंदा अमल करता है अपनी बिसात से, जैसे हमारा ईमान, हमारी नमाजें, हमारी तालीम, हमारी गश्तें, हमारी ये सारी हमारी हैसियत देने पर अल्लाह के वादे। तो रात को रोते 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 सो गए मालिक बिन दिनार, अब ख्वाब देख रहे हैं, एक चकियल मैदान लको दख, और अकेले मालिक बिन दिनार उस मैदान में है, वहशत ज़दा। अभी वो तन्हाई की वहशत खत्म नहीं हुई कि अचानक क्या देखते हैं, एक बहुत मोटा तगड़ा अजदहा भागा हुआ इनकी तरफ आ रहा है। ऐसा अजदहा कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये उससे बचने के लिए भाग रहे हैं, ये आगे वो पीछे, ये आगे वो पीछे, थक के चूर हो गए, इससे कैसे बचूं। उस बयाबान में एक बड़े मियां नजर आए, अब्बा जी अब्बा जी, सुबह से इसने मेरा पीछा कर रखा है, ये दिन पूरा हो रहा है और ये पीछा, मुझे कोई रास्ता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बेटा मेरे तो घुटनों में जान है, न पेट में हाथ है, न मुंह में दांत है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब्बा जी कोई रास्ता ही बता दो, ये जो हमारा काम है ना, ये राह दिखाने का काम है। और कैसों कैसों को राह दिखी है और कितनों की जिंदगियां बदली है। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, खबरदार खबरदार, ये जितने आमाले दावत हैं, ये पूरा काम कारे नबुव्वत है, नबी वाला काम है, और इसके हर अमल में यकीनों के बदलने की, जिंदगियों के सही रूप पर आने की आज भी वही तासीर है जो तासीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। और फिर मिसाल दी कि 1500 साल पहले लीमू की तासीर क्या थी, जो पानी में डाले और उसको निचोड़े तो पानी खट्टा हो जाता है। जो तासीर 1500 साल पहले लीमू की थी, कितने जलजले, कितने तूफान, कितनी जंगे, कितनी क्या क्या हुआ, लीमू की तासीर वही है। फरमाया जैसे लीमू की तासीर नहीं बदली, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीने मुबारक, उसके अहकामात, उसका हलाल और हराम, माशरत, मामलात, अखलाक, बंदा होने की हैसियत से, बंदगी का ताल्लुक अल्लाह से, उम्मती होने के एतबार से नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी वही तासीर है जिसने 600 साल पुराने शिर्क को, जिसने 600 साल के जहालतों के समंदरों में डूबकियां खाए हुए, जिनके रंगो रेशे में शिर्क को जहालत बामे औश तक पहुंचा दिया, बुलंदी की चोटी तक पहुंचा दिया, उस अमल की आज भी। इसीलिए कहते हैं खाली तकरीरें नहीं है, मजमे का जमा हो जाना नहीं है, समझना है, सीखना है, समझते हुए सीखते हुए, नहीं जानते हैं तो जानने वालों से पूछते हुए। सहाबा की अजीब बात थी, जो चीज पहले नहीं देखी और आज देखी फौरन पूछा। वो जो हदीस जिब्रील है फजाइल रमजान में कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर आमीन, दूसरी पर आमीन, तीसरी पर आमीन, ये इससे पहले कभी नहीं देखा था सहाबा, फौरन पूछा। अल्लाह के रसूल आपने तीनों से, तो आपने वो पूरा बतलाया। हलाक हो जाए जिसके सामने मेरा नाम नामी आए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। हला जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, हुजूर ने अमीन कही। हलाक हो जाए
जो बुढ़ापे की हालत में माँ बाप को या एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपनी आखिरत न बनाए। आमीन। हलाक हो जाए, हलाक हो जाए जिसको रमजान मुबारक का महीना मिला, रोजे रखकर अल्लाह को राजी न, उसका हुक्म पूरा न किया, वहां की बद्दुआ हुजूर के आमीन। जो चीज नहीं जानते थे, हम तो 30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, वही नमाज जैसी, तू जा मैं आया, तू जा मैं आया, क्या रुको और क्या सजदा और क्या कयामो क्या सजदा। सीखने की चीज यह है, सबसे पहला फर्ज दीन सीखना। इसलिए नबुव्वत को नबुव्वत के साथ इल्म इलाही दिया गया, तौरात ज़बूर इंजील सहीफे, नबुव्वत भी दावत भी और इल्म भी, दावत भी और इल्म भी। मालिक बिन दिनार ने ख्वाब देखा तो उन बड़े मियां ने कहा कि बेटा मैं था ऐसा हूं, मैं मुझे कोई रास्ता ही दिखा दो। ये जो घर घर की मुलाकातें, एक दूसरे की खुशामद, प्यार मोहब्बत से हिकमत के साथ छोटा बनकर, इसलिए हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह बात फरमाते थे, काम बड़ा है हम बड़े नहीं हैं। काम किसका है? अल्लाह का। क्या अल्लाह कितने बड़े? वो जितने बड़े उनका काम भी उतना ही बड़ा, उनका कलाम भी उतना ही बड़ा, उनका रास्ता भी उतना ही बड़ा और उस पर मिलने वाला इनाम भी उतना ही बड़ा। उनकी नाफरमानी भी उतनी ही बड़ी और उस नाफरमानी पर सजा भी उतनी ही बड़ी। इसीलिए वादे और वईदे, वादे और वईदे। बड़े मियां ने मालिक बिन दिनार को कहा कि ये पहाड़ है, तू ऊपर चला जा, जवान थे खूबसूरत, ये अजदा तेरा पीछा वहां नहीं कर सकेगा, ये नहीं चल सकेगा, बहुत मोटा तगड़ा, मरता क्या न करता। मालिक बिन दिनार चढ़ गए, अजदा पीछे रह गया। अल्लाह तो अल्लाह है, हम तो माइल बकरम है, राह दिखाए किसे? ये पूरी मेहनत, ये पूरा काम, ये जोड़, ये जमातें, ये गश्तें, ये घर घर की मुलाकातें, ये मस्जिदवार जमात, ये उसके 5 अमल, रहबरी है, रहबरी है। ये अंबियाए किराम अलैहिम सलातु तस्लीमात के साथ अल्लाह की गैबी मदद है। वो नाफरमान कौमों की हलाकत के वाकयात, वह कभी रूया उल अफसार, आंखों वालों आंखें खोलो। ये कहानियां नहीं है, खुदाई दस्तूर है। अचानक क्या देखते हैं मालिक बिन दिनार, एक फुलवारी है, पानी बह रहा है, आबशार है, फूलों की खुशबुएं हैं, और जो ध्यान से और गौर से देखा तो फूल जैसे मासूम बच्चे उसमें आपस में खेल रहे हैं। जान में जान आई कि अजदहे से तो पीछा छूटा, अरब ये मंजर बहुत ध्यान से देखा तो वो बच्ची जो बचपन में मर गई थी वो नजर आई, बेटी ने बाप को पहचाना, बाप ने बेटी को पहचाना, अब इसीलिए कहते हैं 4 महीने को पैदल चलो, जब आओगे तो घर के सारे बच्चे चिमट जाएंगे, अब्बा जी, और नहीं तो बीवियां भी यूं कहते अल्लाह तुझे तबलीग वाला ले जाए, जाता ही नहीं, फिर बीवियां भी परेशान हो जाती है, बच्चे भी कहते हैं अब्बा कहीं जाते ही नहीं है, हर वक्त अबू अबू सीने से लग गई। बेटा ये तो बताओ ये क्या है, ये क्या है? अब्बा जी आपको याद है हजरत इब्राहिम अला नबी सलात तस्लीम से अल्लाह ने कहा था, इद काल लहू रब्बहू अस्लिम, इब्राहिम मुसलमान हो जाओ। क्या मतलब? जान और माल और सलाहियत हमारी दी हुई है, हमारे हवाले कर दो, अपनी मनमानियों में, अपनी जी की चाहतों में नहीं। अस्लम तो रब्बिल आलमीन, मुसलमान उसी को कहते हैं।
जो खुदा दाद जान माल सलाहियतों को खुदाई मंशा के मुताबिक, इसलिए वो सहाबी जब आए मस्जिद में और तीन मरतबा सलाम किया और नहीं जवाब मिला तो फिक्र पैदा हो गया। यहाँ पांच का नोट जिगिर दिया है तो सुबह से शाम तक तस्बीह पढ़ते हैं। उन्होंने उसको सरमाया समझा था, भाई क्या बात हुई, हमारे पास तो देखे एक ही चीज है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की इबादत और इताअत, यही हमारा सरमाया है। आज तो बहुत नाराजगी मालूम हो रही है, मेरी कोई शिकायत पहुंची है? भाई हमें कुछ मालूम नहीं, इतना मालूम है कि तुम्हारे घर के पास से गुजरे थे और पूछा था और फिर कुछ फरमान। ओहो, इसको कहते हैं सलाहियतों का सही मशरब, सलाहियतों को सही जगह लगाना। अक्ल और फिरत जो अल्लाह ने दी है उसको सही। अच्छा, मेरा मकान मनशे नबुवत के खिलाफ है, फिर वो क्या मकान है? जाके उसको जमीन के बराबर कर दिया और फिर कोई अपना कारनामा नहीं बताया। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, हमें तो बहुत ज्यादा हमारी तरबियत की जरूरत है, अल्लाह हमारी तरबियत फरमावे। हमने कहीं तश्किल की, कोई जमात बनी, हमारी कोशिश मेहनत, हमने लगाया इनको तबलीग में, अरे ये तो सुनते भी नहीं थे और हम उनके पास। अब भाई दिल तो अल्लाह के कब्जे में, इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुआ को बहुत एहतमाम से फरमाते थे, اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل। कारसाज़े हकीकी तो अल्लाह है, रास्ता वो दिखाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम असलम तो रब्बिल आलमीन, ये कि खाली असलम तो कहने से हम छोड़ नहीं देंगे, इस रास्ते के बड़े बड़े मुजाहदे हैं। इसीलिए जो हदीस मैंने पढ़ी थी ना, ज़ाक़ा तअमल ईमान, पूरा दीन मुबारक, क्या वादे, क्या नामतें, क्या रहमतें, क्या ताईदें, क्या नुसरतें, क्या दुनिया और क्या आखिरत, कैसी दुआओं में कबूलियत, कितनी अल्लाह की रजा, कैसा ईमान, उस सारे में ईमान का मजा चख लिया किसने, जो अल्लाह से रब होने पर, इस्लाम से दीन होने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का नबी बरहक और पैगंबर होने पर यकीन कर लिया, जिसने मान लिया। उन्हीं ने फरमाया, हजूर का इरशाद है, अल्लाह खबरदार हो जाओ, इस्लाम को, पूरे इस्लाम को तशबीह दी है चक्की से। अब तो बहुत फॉरवर्ड हो गए ना मशीनों में, वो दो पार्टों की चक्की, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, दो पत्थर होते थे, अभी भी देहातों में है। अला इन रहल इस्लाम दायरा अला फदूरू हैथ दारत, लोगों इस्लाम की चक्की चल रही है, सारे दूरू और ताजिरों, काश्कारों, मजदूरों, कारखानेदारों और मालदारों, गरीबों, जवानों, बूढ़ों और मर्दों, औरतों और अरबों और आजमियों और शर्कियों, गरीबियों, शिमालियों और जुनबी, सारे उस चक्की के साथ उसके ताबे होकर चलो। ताजिर को जो उसकी शरीयत दी गई है, काश्कार को जो उसकी शरीयत दी गई है कि इसमें उसके ताबे होकर, चक्की को उल्टा मत घुमाओ, हराम को हलाल कराने की फिक्र मत करो, नाजायज को जायज कराने के लिए। पर मौला उमर साहब सुनाया करते थे, एक आदमी के घोड़े सैनिमा में जाया करते थे, उसकी तो उसकी क्या आमदनी घोड़े सैनिमा में, अल्लाह ने हिदायत दी, कुछ वक्त लगाया, लेकिन जो वो लग जाती है ना अंदर में,
इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बुद दुनिया रास कुल्ली खतीआ, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। वक्त तो लगाया, नमाजी बना, लेकिन घोड़े अभी जा रहे हैं बराबर। किसी मुफ्ती साहब से पूछा कि सैनिमा में घोड़े बेचूं भेजूं और उसकी आमदनी, तो मुफ्ती साहब ने कहा भाई हराम है। ले भाई अपने तो गए मुफ्ती साहब ने। दूसरे मौलाना सुनाते थे 14 मुफ्तियों से पूछा, हर एक ने हराम हराम। 15वें मुफ्ती साहब ने कहा कि कमाई तो हराम ही है, लेकिन उसकी कमाई तुम मत खाना, घोड़े को खिला देना। देखो ये भी मुफ्ती साहब हैं, वो मुंह लगी छूटती नहीं है। हराम के लुक्मे, हराम कारियां, ना फरमानियां, जिस्म से मुताल्लिक, माल से मुताल्लिक, सलाहियतों से मुताल्लिक, किसी तरह ये तो कमा। अब इससे ज्यादा कोई बेवकूफ होगा दुनिया में जो घोड़ों के लिए कमाए, लेकिन उस कारोबार को बाकी रखना है। मुफ्ती साहब ने कहा है कमाओ, घोड़े को खिला देना, अपने बच्चों को खाने को नहीं, घोड़ों को खिला रहे। जब अकले मारी जाती है तो अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इंसान को अकल दी है, नफा किसमें, नुकसान किसमें, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत, के जानवर में अकल ही नहीं है। इसलिए कह रहा 3 मिजाज हैं, एक है ईमानी मिजाज, एक है शैतानी मिजाज और एक है हैवानी मिजाज। ईमानी मिजाज जो अल्लाह रसूल को पसंद वो ही मुझे पसंद, दुनिया 10 दफे हाथ से जाए आए घटे बढ़े मुझे इसकी परवाह, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो, मेरे आका का तरीका छुटके ना पाए, ये मिजाज बन जाए। अब पहले तो ये तो समझे मिजाज कहते किसे हैं। मिजाज, मैं एक मरतबा साउथ अफ्रीका में था तो वहां के मुहतमिम साहब ने मुझसे कहा मल साहब अभी लोग वक्त तो लगा रहे हैं लेकिन दीनी मिजाज नहीं बन रहा है। हाँ भाई ये तो हमने भी सुना कि मिजाज, मैं सोच लेगा मिजाज किसको कहते हैं। कहो एक आदमी को बचपन से खट्टी चीज नहीं चलती, वो दही की हो, इमली की हो, लीमू की हो, किसी फल की हो, किसी जाए खट्टी चीज खाते ही हलक में खराश नजला। अब कोई आदमी फजाइल बयान करे, देखिए ये अचार तो आपको खाना ही पड़ेगा। जानते हैं मेरी नानी अम्मा ने बनाया है और मेरी नानी अम्मा की 40 साल से तहज्जुद कभी नहीं गई है, हर पीर जुमेरात का रोजा रखती हैं और सदके खैरात बहुत दिनदार पाबंद है। भाई तेरी नानी मेरे सर माथे पर और वो राबिया बसरिया, लेकिन लीमू का अचार या आम का खट्टा अचार खाऊंगा मेरे खराश हो जाएगी, मेरा मिजाज ही नहीं है खटाई का। दुनिया जितनी रंगो रूप के साथ आए, जितनी जेबो जीनत के साथ आए, जितने नक्शे बदल के आए, खबरदार मेरे अल्लाह का हुक्म, मेरे अल्लाह नाराज हो जाएंगे, मेरे आका को तकलीफ होगी, मेरे आका की सुन्नत। इसको कहते हैं ईमानी मिजाज। ये चिल्ले 4 महीने गश्ते मकामी बाहर अंदर मर्दों में औरतों में, सिर्फ आना जाना नहीं, हमारा मिजाज ईमानी बन जाए जैसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। यही सूद की बात मैं कह रहा था, अरफात के मैदान में सूद के हराम होने की आयत नाज़िल हुई। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया इसको मैं अपने घर से शुरू करता हूं। मेरे चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला बहुत मालदार थे
और लोगों को सूद पर बहुत कर्जा दे रखा था। आपने फरमाया मैं उस सारे सूद को माफ करता हूं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के बाद जब हाजिर हुए मालूम हुआ कि सूद हराम हो चुका और हुजूर ने घर से शुरू किया है कुर्बान जाए, जिसको कहते ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदगियां दौलतों से नहीं बनती, जिंदगियां पैसों से नहीं बनती, ये सोने चांदी के ठिकनों से नहीं बनती, ये हुकूमतों के ओहदों से नहीं बनती, जिंदगी अल्लाह के हुक्मों मोहम्मद की ताबेदारी से बनती, अल्लाह के खौफ से, तब्बे तवक्कुल से, तराजू तहम्मुल से, सब्र और शुक्र से। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह को जब पता चला, अच्छा मेरे आपा ने तो सूद माफ किया, मैं रासुल माल जिस पर मुझे मेरा ये सूद मिले मैं उसको भी माफ करता हूं। क्यों? कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदगी का बनना बिगड़ना दौलतों में न कौड़ियों में न ठिकरों में, सोने में न चांदी में, पेट्रोल में न प्लैटिनम में, एक अकेले अल्लाह के साथ, वो जिसकी बनाए कोई बिगाड़ नहीं सकता और वो जिसकी बिगाड़ दे कोई बना नहीं सकता। लेकिन हर जगह लोग होते हैं ना बातें करने वाले, जैसे हुजूर से अल्लाह पाक ने कहा वलकद नअलम अन्नक यदीक सदरक बिमा यकूलून फसबिह बिहमद रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। प्यारे नबी, ये लोग जो बकवास करते हैं और इंतहाई जहरीले जुमले और मजहका खेज बातें जो आपकी हम सब जानते हैं और उससे आपका दिल आसुर्दा होता है, वो भी हम जानते हैं। आप तो दो काम करें, तस्बीह पढ़े नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े नमाज पढ़े, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, मरते दम तक यही काम करना है। वो जिन्होंने बकवास की थी कहां गए? कहां है उतबा, कहां है शैबा, कहां है अबू जहल अबू लहब? अल्लाह अल्लाह है, उसकी कुदरत। लोगों ने लो भतीजे ने चचा को कंगाल कर दिया, सूद का इतना बड़ा, इतनी बड़ी मालियत, इतनी बड़ी रकम, और भतीजे भी फिर और चचा भी और एक कदम आगे कि वो भी माफ। अब खाएंगे क्या? अल्लाह के हुक्मों में इल्मे नबुव्वत पर और इल्मे नबुव्वत पर अमल करने में जो फायदे बता दिए अल्लाह ने, कयामत तक के लिए। दो बेटे थे, हजरत फजल इब्न अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। रोज फजाइल की किताबों में उनके नाम सुनते हैं और पढ़ते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत हिब्रुल मुफस्सिरीन, सबसे ज्यादा कुरान का फहम, आयात का शान नुजुल, उसकी गहराई, उसके निकात। इसीलिए जब सूरह इदा जा नसरुल्लाह वल फतह नाजिल हुई तो सब खुशियां मना रहे थे। लो जी, रात की अंधेरी में मक्के से निकले थे, बच्चे रो रहे थे, और क्या क्या दुश्मनों की प्लानिंग और क्या क्या उनके मंसूबे थे। आज अल्लाह खुले दर मस्जिद में दाखिल करेंगे, मक्का फतह हो जाएगा, और जिस ईमान के ईमान भी लोगों को मिलेगा। सब मुस्कुरा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं। लोगों ने कहा भले आदमी, मक्का फतह होगा, लोगों को ईमान मिलेगा, ये हमने जितने पापड़ बेले हैं और जितनी हिजरत और नुसरत की जो तकलीफें, अब अल्लाह वो दिन दिखा रहे और तुम रो रहे हो। इसीलिए कहते हैं इल्म सीखो, इल्म हासिल करो, उलमा से पूछो। हमारा इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारा ये काम चलता फिरता मदरसा है, नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद भी है,
मस्जिद मतहूरा हुजूर ने फरमाया सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद, ये मस्जिद भी है, चलते हैं सीखते सिखाते हैं जोड़िया मना के मदरसा भी है, और तस्बीह पढ़ रहे हैं ये खानका भी है, तीनों का मजमुआ है। इसीलिए कह दोस्तों, सिर्फ तकरीरें और सिर्फ मजमे जमा कर लेना और सुन लेना नहीं, समझना है, सीखना है, जिंदगियों में जगह लेनी है, अपने आप को अमली आदमी बनाना है। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, शुरू की आयतें तुम्हें हंसा रही है, फस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, ये आखिरी आयत मुझे रुला रही है कि जब काम पूरा हो जाता है तो इस्तग़फार होता है। जैसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर से पूछा था मुझे कोई, तो आपने सबसे अखीर में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी सिखाई। लेकिन आपको लोग कहते नहीं, ओ मौल साहब ने कह दिया था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, इतना पढ़ लिया सलाम फेर सकते हो, खाली रोटी चबा के पेट भर जाएगा। दुनिया के सामान में तो चिकने चिपड़े लजीज मजेदार, और नमाज बिचारी कि नहीं नहीं मुफ्ती साहब ने कहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कह दिया तो आप सलाम फेर सकते हो, कि अल्लाह मैंने सलाम तो नफ्सी किसको सिखाई थी, जिसकी नमाज नियत से लेके सलाम फेरने तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। इतनी शानदार नमाज के बाद इन्नी जलम तो नफ्सी जुल्मन कसीर, हमने जैसी पढ़ी है। इसीलिए कहते हैं सीखना सीखना सीखना। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ ये था, सुबह से शाम तक उनके दरवाजे पर सीखने वाले पूछने वालों का मजमा, भाई जिसे मीरास के मसले, जिसे ज़कात के मसले, और ये तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह हमें नेमत की कदर करने की तौफीक दे, इसी रास्ते में जिनका वक्त सही लगता है और जिसको समझते हैं, और जिनको ये कि भाई जितना चाहे जो कर लो, किस अल्लाह को मुंह दिखाना है, आखिरत हक है, जवाब यही वहां है। जब अंदर में ये बात उतर जाती है तो सालों की ज़कात, सालों की नमाज, और ऐसे वाकयात हैं। सुबह से शाम तक कोई मीरास के मसले पूछ रहा है, कोई ज़कात के, कोई नमाज के, कोई रोजे के, हर एक को तशफी बख्श जवाब। और जब उनके यहां से निकलते हैं तो दूसरे भाई हजरत फजल इब्न अब्बास, उनके दूसरे भाई, उनके दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है जिन्होंने मेरे भाई से इल्म लिया है, ये तलवा रोटी मेरे घर से खा के जाएंगे। दुनिया जिनके लिए बातें बना रही थी कि भतीजे ने चचा को कंगाल कर दिया, इतना दिया कि नस्लों ने खाया, और दुनिया और आखिरत की इज्जतें मिली। जिस सूद को अल्लाह के सदकात, सदके को अल्लाह बढ़ाएंगे, आपकी बात सूद हमेशा के लिए मुफलिसी लाएगा लाएगा, अल्लाह के नबी का इरशाद है। जमीन आसमान बदल सकते हैं, मरंत पानिल हवा इन अल्लाह वहा, आप जबान आपकी है, कलाम अल्लाह का है, सूद को खुदा मिटाएंगे, उसका अंजाम मुफलिसी और कल्लाशी होगा, सदकात को अल्लाह बढ़ाएंगे। इसीलिए कहते 24 घंटे की जिंदगी में नजर खबर, नजर खबर, नजरें क्या दिखाती है, चीजों में मिलावट करके दोगे तो दो पैसे ज्यादा बचेंगे, झूठ बोल के सौदा दिखाया, कुछ दिया कुछ, माल बढ़ता हुआ नजर आता है। और खबर क्या है, अल मोमिनो लायक दिन अल मोमिनो लायक दा, मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन धोखा नहीं देता, मोमिन किसी को सताता नहीं। खबर यह है, नजर वो है। जब ईमान अपने
अपने कमाल के साथ, इमारत की कुव्वत के साथ, कि जैसे ये चार्जिंग होती है ना, उसमें पावर भरता है, और ये गाड़ियों में पेट्रोल के उससे पावर आता है। ईमान की जब मेहनत, ईमान ही को बोलो, ईमान ही को सुनो, ईमान ही को सोचो, और भिखारियों की तरह अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, मुझे वो ईमान दे जो कभी न घटे, मुझे वो ईमान दे जो मेरे रगों रेशे में उतर जाए, मुझे वो ईमान दे दे जो मेरी आंखों में, कानों में, हाथों में, कमाइयों में, खर्च में, घर की शादी रचाने में, ईमान ईमान ईमान, क्योंकि इसका मजा, इसमें मजा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ज़ाक़त अमल ईमान, ईमान का मजा चख लिया। अच्छा, कि हम तो यही जानते हैं, बिरयानी का, कोरमे का, क्या कुल्फियों का, इसी का मजा जानते हैं। खुदा हमें ईमानी अमाल का मजा चखा दे। आज हम कहते हैं, उलमा ने लिखा वाकयात हैं, जब कोई ईमानी जिंदगी का मजा चख लेता है, दुनिया भर के तमाम मजे काफूर हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या कहा, इस्लाम की चक्की के साथ चलो, नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट, ऊपर का घूमता है चलता है, नीचे का अपनी जगह ठोस जमा हुआ रहता है। इसमें वो मुट्ठा भर के औरतें डालती है, चने, गेहूं, चावल, उड़द की दाल, जो भी बनाना हो मुट्ठा, और उसमें वो छांटती नहीं है, ये दाना अधूरा है, ये पूरा है, इसकी नोक नहीं है, के सारा मुट्ठा भर के डालती है और फिर चलाती है। जो दाने इन दो पाटों के बीच में आते हैं वो आटा बनते हैं, और जो दाने खूंटी के पास खड़े हो जाते हैं, कहते तो हैं हम भी चक्की में थे, हम भी उसमें बर्तन में थे, हम भी इज्तिमा में गए थे, हम तो हमारा कोई मशवरा नहीं छूटता, और हमारी कोई मस्जिदवार जमात का ढाई घंटा नहीं छूटता, लेकिन वो दाने खूंटी के पास खड़े हैं, दो के बीच में नहीं आते। हफ्तेवारी, महाना, रोजाना, इनफिरादी, इज्तिमाई, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भरे, एक एक चीज वाज़ह कर दी है। सब का ताल्लुक अमल से है। वो खूंटी के पास खड़े हैं, वो गेहूं के दाने, वो चावल के दाने, वो चने, आटा नहीं बनते, आटा नहीं बनते तो न पूरियां बनती है, न चपातियां बनती है, न बेकरियां बनती है, न केक बनते हैं, तो दाने हैं, उसको फांकोगे कि खाली हाजिरी दे दी, मैं मस्जिद आप जमात में, मैं इससे कुछ नहीं होता। दो पाटों में पीसना पड़ता है, और इतना पीसे कि उसका वजूद खत्म हो जाए, मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ। इतना पीसना, अपने को इतना मिटाना कि इनके हाथों के जैसे दो पाटों के बीच के पीसे हुए दाने आटे की शक्ल में बन के, कहां का केक, कहां की रोटी, कहां का क्या, कहां जा रही है। मक्के मदीने में बाकायदा मखबस फुलानी व्यक्ति, फुलाना मखबस, उनकी रोटियां कहां जाती, अफ्रीका से जो आते हैं वो भी वहां खाते हैं, अमेरिका से, यूरोप से, कहां कहां से। और ये क्या है कि ये वो जो दो पात्रों के बीच में पीसे थे उस आटे का नतीजा है। मशरक मगरिब शिमाल जुनूब अरब आजम, मर्द औरत, पढ़े लिखे अनपढ़ आवाम खवास, सब खा रहे हैं मक्के रोटी को। जब अल्लाह के कुछ बंदे तमाम जाहिलियत की असबियतों से बालातर होकर, मेरा खानदान, मेरी जबान, मेरा इलाका, मेरी हैसियत, मेरा
कि ये जाहिलियत की असबियतें हैं जिसको हुजूर ने अरफात के मैदान में अपने पैरों तले दफन किया था। इन सबसे बाला तर होकर बंदा अल्लाह का हूं, उम्मती नबी का हूं, इस मुल्क में रहूं या दुनिया के किसी गोशे में, मेरे साथ ये जो है हुक्म अल्लाह का, ताबेदारी नबी की, काम हुक्म अल्लाह का, तरीका नबी का। अल्लाह का पहला काम वल्लाहु यद्रू इला दारिस सलाम, वो तो खुद दावत दे रहे हैं। अल्लाह दाई अव्वल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई बनाकर भेजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के एक एक फर्द को अपनी नियाबत में दाई बनने को फरमाया और मिराज दी। सबक ही भूल गए, हम कौन हैं, क्या जिम्मेदारी है, क्यों आए हैं, जियो जैसे दुनिया जीती है, मरो वहां जा दुनिया मरती है, खाओ जैसे दुनिया, हलाल हराम जायज ना जायज, बहन भाइयों का भी मीरास खा जाओ। इसलिए दोस्तों बार 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 कहते हैं दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। दीन में कि सबसे पहले ईमान, ये जो औरतें आटा पीसती है ना वो चक्की में, बीच में एक खूंटी होती है, बहुत मैदे जैसा यानी बिल्कुल बारीक पीसना है उसी खूंटी को हिलाती है, मोटा पीसना है दलिया बनाना है उसी खूंटी को, क्योंकि जिंदगी के तमाम शाबों में ईमानी मिजाज के साथ चलेंगे जब ईमान को अपनी मेहनत का मैदान बनाएंगे। जिस ईमान में सबसे पहले नफी है ला इलाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है जिस शक्ल में है कोई कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं, इल्लल्लाह, एक अकेली जात अल्लाह, नफा नुकसान जिंदगी मौत बनानी बिगाड़नी, ये जितना दिल की गहराई में उतरता है, जैसे ही आंखों से चीजों का नफा नुकसान नजर आता है, फिर ईमानी आंखें झूठ का नुकसान सच का नफा, किसी के सताने का नुकसान किसी की झोली में लुकमा डालने का नफा, किसी बीमार की बीमार कुर्सी, किसी यतीम बच्चे के सर पर शफकत का हाथ फेरना, किसी का बुझा चूल्हा जलाना, किसी बेनमाजी को नमाज की तरगीब देकर उसके फायदे बताते हुए उस पर मिलने वाले इनामात बताते हुए कि इसका नफा नजर आएगा जब ईमान की ईमान अपनी हकीकत के साथ, इसके छोड़ने का नुकसान वो नजर आएगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने बेटी से पूछा कि बेटी ये सब क्या है, अब्बा आपको मालूम नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम से अल्लाह ने कहा था मुसलमान हो जाओ तो उनका हो गया, लेकिन मुसलमान कि वो चक्की है उसमें पीसना है, अला इन्ना रहल इस्लाम दाइरा, खबरदार इस्लाम की चक्की चल रही है, फदूरू है तो दारत और ताजिरों काशकारों मदारों गरीबों जवानों और देशों विदेशों, अपने आप को उसके ताबे कर लो, जिसको इस्लाम ने हराम कहा हराम है, हलाल कहा हलाल है, तुम्हारे मेरे कहने से हलाल हराम नहीं होता, हराम हलाल नहीं होता, ये तो यहूदियों ने किया था, अल्लाह के हुक्मों को ही बदल दिया था, युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवाज़िअ, अल्लाह ने हमें साफ सुथरा पाक, अब पाक करने वाला जैसे कलमा पाक, इतना पाक इतना पाक कि 100 साल का शिर्क में डूबा हुआ और 100 साल का नहीं 600 साल का शिर्क में डूबा हुआ अबू हुरैरा बन रहा है, सिद्दीक अकबर है,
उमर फारूक है, अब्दुल्ला बिन जुबैर है, अमर इब्न आस है, खालिद इब्न वलीद है, साद इब्न वक्कास है, साद इब्न मुआज है। क्या उनकी पाकी, क्या उनकी सफाई, क्या उनका ताल्लुक में अल्लाह, क्या उनके लिए जिदे जिद जन्नतों की खुशखबरियां। वो कलमा अल्लाह ने हमको दिया है, हम तो इस नियामत का अगर शुक्र अदा करें तो मरते दम तक सज्जे से सर नहीं उठा सकते। लेकिन वही बात, हम इसको ना, हम तो पैसा 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 उसी को नियामत समझते हैं। जमीन का टुकड़ा मिल गया, मकान बन गया, शानदार गाड़ी आ गई, यू हो गया, वो हो गया, हाँ बहुत नियामतें वाले। असल नियामतें वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको बताई। ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत, दीन अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत। इसलिए उलमा कहते हैं अगर दीन और दीन की मेहनत से कोई बड़ी नियामत होती तो अल्लाह अपने प्यारों को वो देते। नबी जितने आए उनके पास कहां असबाब थे, ना फौजे हैं ना हथियार हैं, खाने को नहीं है, कई कई दिन का फाका है, एक खजूर पे पूरी जमात गुजारा कर रही है, और वो चूसते चूसते खत्म हो गए तो घुटली, और वो भी खत्म हो गई।